पुलिस। माँ बोली, बेटा अभय, तुमने अभी खाना नहीं खाया, उठो मत, थोड़ा खा लो। अभय बोला, नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। माँ ने बहुत प्रलोभन दिए, कभी कहती तुम खा लोगे तो आइसक्रीम दूंगी, कभी कहती हम शाम को तुम्हें पार्क में ले जाएंगे। छोटा अभय जिद पर अड़ा था, नहीं माँ, मुझे नहीं खाना है। माँ बोली, अच्छे बच्चे एक बार कहने पर ही खा लेते हैं, खराब बच्चे ही कहना नहीं मानते और खाना नहीं खाते। मालूम है, पुलिस आकर खराब बच्चों को पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। पिताजी माँ से बोले, छोटे बच्चों को इस तरह डराइए मत, फिर हमारा बच्चा हमेशा पुलिस का डर मन में लेकर जिएगा। पुलिस वाले कोई डरावने लोग थोड़े ही हैं। बड़ी बेटी श्यामा सारी बातचीत सुन रही थी। वह बोली, मुझे पुलिस को देखकर डर लगता है। पुलिस वाले सबको पकड़कर जेल में डालते हैं कि नहीं? फिर जेल में सबको खूब मारते हैं। पिताजी बोले, बेटा, पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना है, मारना नहीं। पुलिस हमें सताती नहीं, बचाती है। हमें तो पुलिस का धन्यवाद देना चाहिए। श्यामा उत्सुकता से पिताजी की तरफ देखने लगी। वे फिर बोले, लोग कमाई करके चीजें खरीदते हैं, पैसा बचा कर रखते हैं, चोर आकर उन्हें चुरा ले जाते हैं, पुलिस उन चोरों को पकड़कर जेल में डालती है। इसी तरह गुंडे बदमाश अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, सबके साथ मारपीट करते हैं, पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डालती है। पुलिस की वजह से ही हम लोग अच्छी तरह जी सकते हैं, इसीलिए पुलिस को धन्यवाद। हमारी पुलिस जिंदाबाद। फिर माँ की तरफ मुड़कर बोले, छोटे बच्चों को अच्छी तरह समझाना चाहिए, उन्हें भूत प्रेत का या पुलिस का डर कभी नहीं दिखाना चाहिए। श्यामा अपनी यादें ताजा करके बोली, हाँ, हमारे अध्यापक ने भी कहा था कि कभी गुम हो जाओ तो घबराना नहीं, सीधे पुलिस के पास जाओ, वे तुम्हें घर पहुंचा देंगे। माँ बोली, हाँ, पुलिस वाले हम सभी की रक्षा करते हैं। एक दिन अरुण के चाचा कोलकाता से आ रहे थे, वे स्टेशन पर ही अपना बैग छोड़कर आ गए थे, पुलिस ने वह बैग उन तक पहुंचाया था। पिताजी बोले, जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छा, जो टेढ़े या गलत हैं उनके लिए बहुत टेढ़ा और गलत, इसलिए जो अच्छे हैं उन्हें पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है।